तो दोस्तों आज हम करने लगे हैं सिस्टम को पैक। ये काफ़ी टाइम पहले ही सेल हो गया था बट इसको कोरियर करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो आज मैं और गगन ने मिलके शुरू किया है इसको भी। चलो पैक करते हैं। तो अब मैं दिखाता हूँ इसको कैसे पैक करेंगे और कैसे हम इसको भेजेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसके ऊपर मैंने पहले लेमिनेशन की 4 कोटिंग कर दी है। ये सारा लेमिनेशन कर दिया है और इसके फ्रंट के ऊपर देखो मैंने यहाँ पर फोम लगा दी है ताकि जो ग्लास इसके अंदर लगा है वो ग्लास टूटे ना। इसको अच्छे से यहाँ पे फोम लगा के फ्रंट पे भी सारी लेमिनेशन है, ये सारा लेमिनेशन है और ऊपर से लेमिनेशन कर दिया है चारों तरफ से और अब यहाँ पे फोम लग चुकी है और बाकी फोम की देखो कटिंग चल रही है। ये सारी फोम की कटिंग करके वो लगाएंगे। बढ़िया हमने इसको परचेज़ किया है फोम को, कोई आम फोम नहीं है ये, तो इसको परचेज़ किया है। इसको काट के सभी यूनिट्स के आगे लगाएंगे ताकि टूटे ना, क्योंकि ये जो यूनिट है वो बहुत बड़ा है और बहुत हैवी है, इस वजह से इतना बढ़िया हमको करना पड़ रहा है। तो ये दोस्तों देखिए हमने इसका जो फ्रंट फेस प्लेट थी उसके ऊपर हमने 1, 2, 3 ये वाली लेदर की है फोम वाली, यहाँ पे ये लेदर है उसके नीचे फोम लगी हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीट कवर के लेदर की है। वो तो 3-3 हमने लेयर बना के फ्रंट पे लगाई है और नीचे आप देखोगे यहाँ पे तो फोम भी लगाई गई है, मतलब इतना ज़्यादा घेरा और बड़ा कर दिया गया है ताकि यहाँ पे कोई भी प्रेशर ना क्रिएट हो। और देखिए मेन चीज़ ये हमने स्पेशल यूज़ किया है, ये कोई यूट्यूबर यूज़ नहीं करता होगा जहाँ तक मुझे पता है पैकिंग के लिए। इसके हम लगाएंगे पीछे ताकि पीछे से बिल्कुल भी प्रेशर क्रिएट ना हो और जो भी पीछे इसका है वो एकदम नीट एंड क्लीन, देखो पहले ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो ये ऐसे ही वहीं पर भी पहुँचे, तो इसके लिए हम दोस्तों देखिए कितनी मोटी लेयर हमने यूज़ की है। ये सारी की सारी लेयर हम आपको यहाँ पे लगा के दिखाएंगे बैक साइड में और टेपिंग करेंगे। तो ये दोस्तों देखिए आपको यहाँ पे हमने मोटी सी लेयर एक लगा दी है ताकि बैक को कुछ भी ना हो। अब देखिए जैसे मैं कहता होता हूँ हर एक चीज़ में कि बिल्कुल ब्रांड नहीं होती है, नीचे से भी देखोगे आप एकदम अच्छी मेटल में आपको मिलेगा। अब यहाँ पर लगाने लगे हम पूरी एक शीट, ये वाली शीट जो लेदर की है ये नीचे लग जाएगी। तो दोस्तों टाइम के हिसाब से पूरे 45 मिनट्स लग गए हैं इसको पैक करने में। तो ये हमने ऐसा पैक कर दिया है, जो साइड के कॉर्नर्स हैं वहाँ पे हमने बड़े से कुशन बना के लगा दिए हैं बबल शीट के दोनों तरफ। यहाँ पे एक निशानी दे दी है ऊपर ताकि ये अपर पोर्शन है आपका, और 4 लेयर्स ऐसे घुमाई गई हैं और 4 लेयर हॉरिजॉन्टली घुमाई गई हैं। उसके बाद ये कुछ ऐसा पैक हुआ है और ये बिल्कुल अच्छी कंडीशन में, और अंदर हमने ये वाली स्पेशल फोम यूज़ की है, ये जो मंगवाई गई थी ये पूरा क्लोथ है, बड़ा कपड़ा था ये फोम वाला, ये सारा अंदर लगाया गया है कोनों के ऊपर ताकि कभी भी कोई इसके ऊपर दिक्कत ना आए। तो चलिए अब इसका बनाते हैं मेन बॉक्स और आपको दिखाता हूँ बॉक्स बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए ये हमने बॉक्स तैयार किया है, काफ़ी बड़ा बॉक्स है, इसके लिए हमने 3 बॉक्सेस को काटा है। ये 3 बॉक्सेस काटने के बाद जाके एक बॉक्स बना है। तो बेस के लिए हमने यहाँ पे कुशन्स लगा दिए हैं, एक कुशन ये वाला है, दूसरा और ये तीसरा, इसके ऊपर हम एम्पलीफायर को रखेंगे और यहाँ से आपका पूरा ओके हो जाएगा और टूटेगा नहीं। और सेम 3 कुशन आपके लगेंगे एम्पलीफायर के ऊपर, जिसके बाद ये तीनों उसको सपोर्ट देंगे ऊपर और नीचे से, टूटने का बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा इसमें। तो ये सर मैंने वायर रख दी है और आप देख सकते हो ये पूरा बड़ा बॉक्स तैयार हो गया है। ऊपर की तरफ भी 3 कुशन्स लगा दिए गए हैं और अब मैं आपको पूरा फुल पैक करके दिखाता हूँ ये कैसा होगा। ये आज तक का हमारा सबसे बड़ा पार्सल पैक किया हमने और इतना बड़ा पार्सल हमने आज तक कभी नहीं पैक किया। तो अब दिखाते हैं पूरा फुल पैक करके। तो फाइनल दोस्तों 2.5 घंटे की मेहनत के बाद इसको पैक हमने पूरा कर दिया है, काफ़ी बड़ा यूनिट बना है। पहले भी आपको मैंने बोला इतना बड़ा पैकिंग हमने आज तक कभी नहीं बनाया है। स्पेशल फ्रेगाइल की टेपिंग कर दी है उसके ऊपर ताकि बिल्कुल भी हैंडल भी दिखियर रहे इसका पूरा। तो ये दोस्तों हो गया हमारा सिस्टम पैक, दुआ करना ये बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच जाए, इसको कुछ भी ना हो।